सो हे गाइज एंड वेलकम बैक टू माई चैनल, दिस इज़ योर राहुल। सो काफ़ी टाइम बाद आए हैं रोडों पे और कुछ ज़रूरी काम था इस वजह से निकले हैं मैं और मेरा दोस्त सावन शर्मा अपने 310 RR पे। इसको भी करोल बाग में थोड़ा काम कराना है और मुझे भी करवाना है। सो आज मौसम 2-3 दिन से प्लान कर रहे थे हम लोग कि करोल बाग जाएँ, पर बहुत गर्मी हो रही थी यार, 48-45 टेम्परेचर था कि निकला जा नहीं रहा था। सो आज थोड़ा मौसम अच्छा हुआ है, थोड़ी देर पहले बारिश भी हुई थी। सो धूप है कम है बट इतनी गर्मी नहीं लग रही है। सो अभी देखते हैं कितनी शॉप ओपन है क्योंकि लॉकडाउन 5 चल रहा है, मोस्टली ओपन ही हो गया है सब कुछ, लगता नहीं होगा कि कुछ बंद होगा काफ़ी टाइम पहले। सो कुछ काम कराना है, जैसे टैंक को लेमिनेट कराएंगे और हमारा ये भी टूट गया है चार्जर का। आपको मैंने पहले बताया था कि मेरी बाइक की वायरिंग चूहों ने कट कर दी है पूरी। सो वो तो मैंने ठीक करा लिया, उसका भी मतलब इस लॉकडाउन बहुत सारा उल्टा सीधा काम हुआ है मेरे साथ, बहुत खर्चा ही हुआ है। पूरी वायरिंग चूहों ने काट दी, उसके बाद ये भी टूट गया और इसकी वजह से यहाँ पे निशान भी पड़ गए। सो अभी का क्या है, करोल बाग चलते हैं सीधा और 2 महीने हो गए हमें रोड पर निकले हुए। सो बाइक चलाने में काफ़ी अच्छा लग रहा है आज 2 महीने बाद। ये मेरा दोस्त सावन अपनी 310 RR। सो क्राउड तो हो गया है पहले से, बस थोड़ा सा सेफ्टी से चलना पड़ेगा बस, बाकी कुछ नहीं है ऐसा। केजरीवाल जी ने कहा है लॉकडाउन खोल दो, अब आज 7th of June है। जिस तरह से लोग रोडों पे भीड़ होती थी उस तरह से नहीं है, बट फिर भी ज़रूरी काम से लोग जा रहे हैं आ रहे हैं, हमें भी बहुत ज़रूरी काम था। और 2 महीने बाद बाइक चलाने के ऐसा लग रहा है जैसे कि बहुत टाइम हो गया है, कई साल हो गए हैं बाइक चलाए। सो रुका नहीं जा रहा था काफ़ी टाइम से, बहुत टाइम से कंट्रोल कर रहा था कि रुक जा, बट आज फ्रेंड को भी काम कराना था और मुझे भी कराना था, सो दैट्स वाई मैं निकला हूँ आज। और अभी फ्यूल बिल्कुल लो है, सो सबसे पहले चलते हैं फ्यूल स्टेशन, फ्यूल फिल कराएंगे। तू फिल कराएगा फिल पेट्रोल? सो डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा यहाँ पे भी। यही लगा लेना 510 प्रीमियम। काफ़ी टाइम बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी राजघाट विधानसभा। ओह माय गॉड, कितना टाइम हो गया इस बोर्ड को देखे हुए भी, काफ़ी टाइम हो गया यार। अभी क्या है, मेट्रो ओपन नहीं हुई है सो इस वजह से ये लोग यहाँ पे बहुत खाली खाली सा लग रहा है। अभी कह रहे हैं अनलॉक 2 या 3 में मेट्रो भी ओपन हो जाएगी, सो यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड हो जाएगा और कोरोना के केस ऑलमोस्ट 2.5 लाख से ऊपर पहुँच चुके हैं। डर भी है, अब क्या कहें, मोदी साहब ने कहा है कि इसके साथ ही जीना पड़ेगा। सो डिस्टेंस, और पहले जब मेरे पास RC 200 थी ना तो मतलब यही होता था कि स्पीड के टाइम में ब्रेकिंग करते टाइम पे बहुत दिक्कत होती थी, ABS भी नहीं थी। सो मैंने बहुत अच्छा डिसीज़न लिया चेंज करके RC 200 को Duke 390 में अपडेट कर दिया। आगे धीरे धीरे करेंगे,
अब तो फिर जी 800 या 900, 800 तो बंद होगी, जी 900 लेनी। सो फाइनली पहुंच चुके हैं करोल बाग, लेफ्ट हैंड साइड में पहाड़गंज, आगे से राइट। ऑलमोस्ट खुला ही हुआ है, एक दो दुकानें ही बंद है। ओ माय गॉड, देखियो क्राउड, देखिए यही लगा ले या। सो भीड़ काफी है, इलाही बख्श। सो यश ग्राफिक पे जा रहे हैं, इलाही बख्श रोड है पीछे, बताया भैया ने मुझे तो पता नहीं, मैं तो चौपड़ा पे जाता हूँ सिर्फ। वो आ गया, और भीड़ बहुत ज़्यादा ही है, कोई नहीं कह सकता लॉकडाउन है या नहीं है। काम कराना लोगों ने स्टार्ट कर दिया है वैसे, पूरा पूरा बंदे करवा रहे हैं अपने। इससे अगला अगला बताया, इससे अगला तो यहाँ पे यश ग्राफिक है, अभी सावन और मैं उसी को ढूंढ रहे हैं, मुझे तो कहीं दिखा नहीं। यश ऑटोमोबाइल्स दिखा, यश ग्राफिक नहीं दिखा। सो अभी ढूंढ रहे हैं उसे भी, मिल जाए तो अच्छा है, इसने ढूंढ लिया। कहाँ ढूंढ लिया इसने? अबे यस तो टेपिंग वाला है। सो फाइनली चार्जर लगवा लिया है 500 रुपये में, और पहले वाला नहीं लगवाया है, एडजस्टेबल वाला लगवाया है, वो काफ़ी ठीक नहीं था, उसमें डर भी था कि फ़ोन गिर ना जाता है स्पीड में, और काफ़ी अंदर करके लगवाया इस बार हमने, दिखाए थे आपको एक बार। सो फाइनली काम हो गया अपना, होल्डर, टैंक पैड और स्मोक करवा दिया पीछे की टेल लाइट,